हाय एवरीवन, आई एम प्रियंका दिस साइड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट फज। ये दिखने में बिल्कुल चॉकलेट की तरह है, लेकिन ये चॉकलेट फज है जिसको हम चॉकलेट की तरह से बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा फजी और सॉफ्ट और बहुत ही माउथ मेल्टिंग बनती है। और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ही फटाफट बनती है और इसको हम बनाएंगे सिर्फ दो इन्ग्रीडियंट के साथ। तो यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट ली है जिसको कट कर लिया है इस तरह से पीसेस में, और लिया है कंडेंस मिल्क। तो चलिए फटाफट से हम बनाते हैं। तो सबसे पहले चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है, तो मैंने यहाँ पे डबल बॉयलर की हेल्प से मेल्ट कर ली चॉकलेट। आपको जैसे मेल्ट करना है आप कर सकते हैं, माइक्रोवेव की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो बस जस्ट मेल्ट करना है और इसमें हम डाल देंगे कंडेंस मिल्क। तो कंडेंस मिल्क कितना डालना है, जितनी हमने चॉकलेट ली है उससे आपको बराबर क्वांटिटी में कंडेंस मिल्क डालना है। अगर आपने 100 ग्राम चॉकलेट ली है तो 100 ग्राम आप कंडेंस मिल्क इसमें डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे फिर ये सिलिकॉन मोल्ड लिया है, इसमें हम चॉकलेट जनरली सेट करते हैं, पर आज हम इसमें चॉकलेट फज सेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट शेप की। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप जैसे मिठाई सेट करते हैं कोई भी कंटेनर ले लीजिए स्क्वायर, उसमें डाल के फज को सेट कर देंगे तो भी वो अच्छे से सेट हो जाएगी। तो अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। बहुत आसानी से एक ही घंटे में सेट हो जाती है। तो इसको सेट होने में कम से कम 1 से 2 घंटे ही लगते हैं। तो ये 2 घंटे में फज जो है बिल्कुल सेट हो गई है। इसमें हमने कुछ स्प्रिंकल्स भी डाले थे तो वो भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो ये सारे फज को मैं इस तरह से अनमोल्ड कर दूंगी। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है तो आप जनरल स्क्वायर वाला जो भी या कोई भी प्लेट हो उसमें भी आप फज को सेट कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा वाइट चॉकलेट इस तरह से ड्रिजल कर रही हूँ ताकि ये और भी टेम्पटिंग लगे। बहुत सारे तरीके से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे वाइट चॉकलेट में डिप भी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यमी लगेगी। तो ये हमारी फज जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये खाने में, दिखने में भी ये बहुत अच्छी लग रही है। तो आप इसको रक्षाबंधन में ज़रूर बना सकते हैं अपने ब्रदर के लिए, और ब्रदर बना सकते हैं अपनी सिस्टर के लिए। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर